हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप सभी लोगों का स्वागत है एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। एंड गाइस, अगर आप सभी लोग Redmi Note 5 यूज कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो तो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप ही लोग कमेंट करके मुझे पूछ रहे थे कि Redmi Note 5 में ड्यूल वोल्टी सपोर्ट करेगा या फिर ड्यूल वोल्टी का अपडेट Redmi Note 5 में कब तक आएगा। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों जो ड्यूल वोल्टी फीचर है वो दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया एंड यूजफुल फीचर है, क्योंकि दोस्तों इस फीचर के अंदर आपके फोन में आप अपने फोन के दोनों सिम स्लॉट में वोल्टी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। मतलब दोनों सिम स्लॉट में आप वोल्टी सिम को डाल के वोल्टी कॉइल्स और दोस्तों वोल्टी वाला सुपर फास्ट नेट यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप जियो सिम से यूज करते हैं। तो ये फीचर दोस्तों सच में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या दोस्तों ये अब फीचर हमारे Redmi Note 5 में आएगा या फिर दोस्तों नहीं आएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने एक बात नोट करी होगी कि दोस्तों जब भी आप अपने फोन का जो सिम का स्लॉट होता है उसे निकाल के जब आप यानी कि जियो वाली है कोई भी वोल्टी सिम यूज करते हैं, यानी कि वन में या फिर टू में, तो वन में जैसे मैं लगा के इसे इंसर्ट करूं अंदर, उसके बाद देखेंगे तो जो वोल्टी टेक्नोलॉजी है यानी कि जो वोल्टी नेटवर्क है वो ऑन हो जाता है। तो ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो ये जो वोल्टी है वो ऑन हो जाता है। लेकिन और अगर आप दोबारा उसे निकाल के सिम स्लॉट को वापसी निकाल के अगर वो वन वाली सिम को टू में डाल दे और उसको दोबारा इंसर्ट कर दे, तब भी दोस्तों जो वोल्टी है वो इनेबल हो जाएगा इस बार टू में। लेकिन दोस्तों जब अगर आप दोनों वोल्टी सिम यानी कि दो वोल्टी सिम या 4G हो यानी कि या फिर वो एयरटेल हो या फिर जियो, कोई से भी दो वोल्टी सिम एक साथ लगा के इंसर्ट करते हैं अपने Redmi Note 5 में, तब आप देखेंगे तब दोस्तों वोल्टी प्रॉब्लम करेगा। यानी कि अगर आप अभी देखते हैं मैंने दो सिम डाली, बट यहाँ पे दोस्तों जो वोल्टी है वो सिर्फ एक ही में इनेबल हुआ है, दोनों में नहीं हुआ इनेबल, तो यहाँ पे दोस्तों वोल्टी प्रॉब्लम कर रहा है। बट इसके अलावा मैं अगर आप सेटिंग में दिखाऊं तो दो 4G सिम यूज कर रहा हूं। तो गाइस, इसी का मतलब ये हुआ कि जो आपके Redmi Note 5 में वोल्टी जो है यानी कि ड्यूल वोल्टी सपोर्ट नहीं है। इसके अलावा आप सभी लोगों को एक और बात मैं बताता हूं कि दोस्तों कई लोग ये बोलते हैं कि Redmi Note 5 के अंदर जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 625 क्वालकॉम जो कि प्रोसेसर है हमारे Redmi Note 5 में, उसमें दो वो प्रोसेसर ड्यूल वोल्टी को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमें दोस्तों ये अपडेट नहीं मिलेगा। बट मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने Xiaomi का MI A1 यूज करा होगा, जो Xiaomi का MI A1 है उसमें भी दोस्तों स्नैपड्रैगन 625 है, लेकिन दोस्तों उसमें जब एंड्रॉइड 9.0 का पाई का अपडेट आया उसके बाद उसमें आपको ड्यूल वोल्टी सपोर्ट मिल गया है। यानी कि अगर आप देखेंगे अगर ये दोस्तों देखेंगे तो ड्यूल वोल्टेज में सपोर्ट आएगा, दोनों में आप HD वॉइस यूज कर सकते हैं। और अगर आपको उस पर बिलीव नहीं हो रहा तो आप यूट्यूब पे या फिर अगर आपके पास MI A1 है तो आप उसे अपडेट करके भी देख सकते हैं। और अगर Xiaomi वाले ये कह रहे थे कि दोस्तों Redmi Note 5 में जब स्नैपड्रैगन 625 है तो हम कैसे उसे ड्यूल वोल्टेज दे दे, तो इसका मतलब दोस्तों ये लोग हमें उल्लू बना रहे थे। हालांकि दोस्तों देखेंगे आप तो MI A1 में भी सेम प्रोसेसर है और Redmi Note 5 में, बट ये Redmi Note 5 को भी इसी अगर आप Xiaomi MI A1 को ड्यूल वोल्टेज मिला तो Redmi Note 5 को भी ड्यूल वोल्टेज मिल सकता है। तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो दोस्तों ड्यूल वोल्टेज अगर MI A1 को सेम प्रोसेसर में मिला तो यस दोस्तों Redmi Note 5 को भी ड्यूल वोल्टी मिल जाएगा। बट दोस्तों मैं आप सभी लोग बात बताना चाहता हूं, अभी दोस्तों वैसे Xiaomi वाले काफी ढीले, मतलब बहुत ही इनकी सर्विस बहुत ही नीचे हो गई है, क्योंकि दोस्तों अभी फिलहाल फरवरी तक इन्होंने अपडेट को जो वो कर रखा है, क्योंकि अभी इनका जो न्यू ईयर का कुछ जो सेलिब्रेशन चल रहा है इसकी वजह से, और 3 महीने से दोस्तों Redmi Note 5 में वैसे भी अपडेट नहीं आ रहा, तो अभी हमें नहीं लगता कि ये फीचर जो है जल्दी से हमारे फोन में आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी लोग एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आप ग्लोबल बीटा यूजर हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप उसको स्टेबल में अपडेट कीजिए तो आपको बिल्कुल भी अपडेट की कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। हालांकि स्टेबल में आपका फोन और भी ज्यादा बेटर चलेगा, क्योंकि उसमें आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी एंड फीचर की भी काफी अच्छी जो इसमें चीजें मिल जाएंगी। तो बस दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को देनी थी। दोस्तों अगर देखा जाए तो Redmi Note 5 ड्यूल वोल्टेज सपोर्ट करता है, बट ये Xiaomi वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस फीचर को कब तक हमें देंगे। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको और वीडियो देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।